जिलाधिकारी द्वारा दिग्रस शहर में शाम 5 बजे से सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू जारी है। आर्थिक रूप से इसका सर्वाधिक खामियाजा शहर के छोटे व्यवसायी सहित चाट भंडार, ऑमलेट सेंटर और फास्ट फूड सेंटर चलाने वालों को उठाना पड़ रहा है। बीसीएन न्यूज से बातचीत में इन व्यवसायी ने अपनी समस्याओं पर और आर्थिक तंगी का बखान किया है। पेश है रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण ने मानव सारी मानव जाति को मुश्किल, परेशानी और दुविधा की खाई में धकेल दिया है। ये एकमात्र ऐसा संक्रामक दौर है जिसको नियंत्रित करते करते शासन प्रशासन के नाक में दम आ गया है। कोरोना संक्रमण के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए प्रशासन एक सिरा पकड़ने जाता है तो दूसरा छूट जाता है। जैसे लॉकडाउन के पहले फास्ट फूड, चाट भंडार आदि व्यवसायियों का अमूमन शाम 5 बजे से ही व्यवसाय शुरू होता था, लेकिन लॉकडाउन की बदौलत इन व्यवसायियों को अपनी चाट भंडार फास्ट फूड की दुकानों का शटर शाम 5 बजे डाउन करना पड़ रहा है। समय मिलना चाहिए फुटपाथ पर हिंसा करने के लिए 9 बजे तक कम से कम, तो बहुत परिस्थिति पिछला साल निकल गया है, ये साल भी ऐसे ही जा रहा है। खाने पीने की परेशानी जा रही है सर, कम से कम सरकार से गुजारिश है कि कम से कम 9 बजे तक टाइम देने चाहिए। 5 बजे के टाइम में जो मेन धंधे का टाइम जो था वो टाइम पे बंद करने का काम कर रहा है, इस वजह से पोजीशन बहुत डाउन हो गई है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन इनकी समस्याओं से वाकिफ नहीं है। मुश्किल ये भी है कि ऐसे बहुत से अन्य व्यवसाय लॉकडाउन की मार से खतरे में पड़ गए हैं, जिसमें सुबह और शाम के वक्त हाथगाड़ी पर सब्जी बेचने वाले, गृहोपयोगी चीजें, खाद्य वस्तुएं, खिलौने आदि बेचने वाले मेहनतकश छोटे व्यापारियों का इस लॉकडाउन की वजह से कमर तोड़ नुकसान हो रहा है। 5 नंतर आमचे धंदे पाणी सुरू होते, पण परिस्थिती अशी असल्यामुळे त्यांनी नियम 5 वाजेपर्यंत लावलेले आहे। 5 वाजेपर्यंत काही गिरायकाचं काहीच नसते, कारण हे अंधार पडल्याशिवाय धंदेच होते, त्यामुळे आमच्यावर एकदमच परिस्थिती खराब आलेली आहे। ॲडजस्ट करून द्यावं, कारण हे धंदे जे आहे ते धंद्याकारचे आहे, आम्हाला दिवसा आम्ही येऊ नाही शकत आणि धंदे होत बी नाही दिवसाचे। बहुत नुकसान होगा, गया साल 2 लाख नुकसान होगा हमारा, और ये साल भी ऐसा होने वाला है। 5 के बाद में धंधा चलता हमारा बाजू बंद हो जाए, धंधे नहीं चल रहे, क्या करने सर, धूम बड़ा भी नहीं निकल रहा हमारा, बहुत समय से बहुत। जिले भर के साथ ही दिग्रस शहर में दिन ब दिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले भी आग में घी का काम कर रहे हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की शर्तों में कड़े बदलाव किए जा रहे हैं। नतीजतन रास्ते के किनारे चाट, पानीपुरी, आमलेट, कोल्ड ड्रिंक आदि का व्यवसाय चलाने वालों की आर्थिक तंगी खत्म नहीं हो रही है। स्थानीय प्रशासन से इन लोगों ने व्यवसाय के लिए रात 9 बजे तक का समय बढ़ाकर देने की मांग की है। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।